हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने मंगलवार को हरियाणा निवास में बिजली विभाग से जुड़े विभिन्न निगमों तथा नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा विभाग की परिचयात्मक सह समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से दोनों विभागों की उपलब्धियों तथा विभिन्न गतिविधियों का ब्यौरा पेश किया गया। इस दौरान मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बिजली से संबंधित शिकायत केंद्रों पर जनसाधारण की शिकायतें गौर से सुनी जाएं और इसमें कोताही बरतने वाले अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि कृषि के लिए बिजली की सप्लाई 8 घंटे से बढ़ाकर 10 घंटे प्रतिदिन करने के आदेश दे दिए गए हैं। उन्होंने पर्यावरण प्रदूषण के प्रति गहरी चिंता व्यक्त करते हुए अधिकारियों को पराली का तुरंत कोई स्थायी समाधान निकालने के निर्देश दिए। मेन हमारी प्रायोरिटी है कि गांव में बिजली 24 घंटे दी जाए। बहुत जिलों में ये हो रहा है। कुछ जगह ऐसे केसेस थे कि जहां डिफॉल्टर थे, लोग बिल नहीं पे कर रहे थे, उनमें थोड़ा रोका जाए। कई गाँव में बिजली घर बने हैं, उसके बाद भी 24 घंटे नहीं दी जा रही, तो उसका रीज़न गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है, वहाँ डिफ़ॉल्टर ज़्यादा हैं, इस करके वो रोका गया था। पर अब लोग आहिस्ता आहिस्ता, जो मेन बेल्ट थी वो भादरा आपका बाडरा, इसके बाद जींद था या पानीपत का एरिया था, गोहाना था, वहाँ बड़ी तेज़ी से इम्प्रूवमेंट हुई है पिछले एक साल में। और आज से हमने ये फैसला किया, एक तो बिजली 2 दिन से हमने बढ़ा दी, पहले जो 8 घंटे जा रही थी वो अब 10 घंटे जाने लगी गाँव में। और दूसरा, बड़ा तेज़ी से हम कुछ लगा रहे हैं, जैसे पराली की समस्या थी, हमारे 4 सेंटर आ रहे हैं जिनमें हम अभी लग रहे हैं, जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, अगले एक साल में ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइंस हैं, वो भी हम इससे करने जा रहे हैं कि जितनी पराली होगी सारी हरियाणा में, टोटल कोई 40,000 टन है और हमारी जो उठाने की कैपेसिटी होगी 50,00,000 टन, तो वो हम आपको, वो हरियाणा में सबसे बड़ी है जिसमें हम लीड करेंगे। दूसरा, बड़ी आज मैंने क्लियर इंस्ट्रक्शन दी है कि गांव में जितनी केबल्स हैं, शहरों में जा रही है, गांव में जा रही है, मकानों के ऊपर से जा रही है, या शहरों में नीचे ज़मीन पे लग रही है। हमारे सिरसा में ये हुआ कि अभी इस बरसात के सीज़न में वो नीचे लग गई, उससे 2 बच्चों की डेथ हो गई, बड़ा अनफॉर्चुनेट हुआ। तो हमने ये करा कि इसे ऑन वार फुटिंग, मैंने ऑफिसर से कहा 1 हफ्ते में करेंगे, तो कहने लगे जी हमें 15 दिन दे दो। 15 दिन में पूरे हरियाणा में जो गांव में लू तारे हैं, ज़मीन पे लग रही है या छतों पे लग रही है, उनको 15 दिन में हम कर देंगे, कोई जगह नहीं बचेगा। अगर इसके बाद किसी अधिकारी को हमने दोषी पाया तो उसको इमीडिएट सस्पेंड, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, ये हम करने जा रहे हैं। दूसरा, जो न्यू रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम आया है उसे हम बहुत लार्ज स्केल पर लोगों में इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, जिसमें एक डानी जो खेतों में ज़्यादा, ये सिरसा फतेहबाद हिसार उस एरिए में ज़्यादा है, वहाँ हम ये करेंगे कि जो ढाणी वाला है उसको बड़े सस्ते अमाउंट में 12,000 कोस में 3 लाइटें, 1 बल्ब और 1 आपका मोबाइल चार्ज करने का 1 पॉइंट वो दे दिया जाएगा। तो जैसे फार्मर्स हेड पे अगर 2 लाख रुपए वो खर्च करके जाता, पोल लगा के जाता, तो उसे बड़ा महंगा पड़ रहा था। ये मैं ये समझता हूँ कि ये हमारा डिपार्टमेंट एक बहुत बड़ा लोगों को सहयोग करने जा रहा है, इसमें बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा गाँव में रहने वाले लोगों को। मेन जो थी वो ये बातें थी। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।